और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली और शाहजहांपुर को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया, साथ ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम योगी 1447 करोड़ की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन में जनता को संबोधित किया और कहा कि सरकारें जिस विजन के अनुसार 2017 के पहले कार्य करती थी उसमें विकास की कोई सोच नहीं थी। हर कार्य बस औपचारिकता का निर्वहन करने के लिए की जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है जनता के हित में कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को 20,000 गरीबों
वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी शुक्ला शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, सीएम योगी आज पहुंचे, प्रबुद्ध सम्मेलन था, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और सौगात भी दी। क्या कुछ जानकारी है और सीएम योगी का ये जो सौगात है जनता के हितकारी कितना साबित होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां वहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जो है शाहजहांपुर को जो है 308 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया है। उन्होंने इस दौरान कहा भी है कि भारत का ये यूपी जो उत्तर प्रदेश है, ये भारत का अपराध मुक्त है और अपराधियों को चंद मिनटों में जो है यहाँ पे ढेर कर दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो है उत्तर प्रदेश में जो है विदेश से भी यूपी में बड़ा जो है इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, जिससे कि यूपी का विकास होगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो है वो यूपी को आगे लेकर और आगे लेकर जाना चाहते हैं और यहाँ पे जो है जो उत्तर प्रदेश में है लोग ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां जो निवेश करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो उत्तर प्रदेश आपको बताते चले कि जैसे कि ज्यादातर पहले सपा की सीटें शाहजहांपुर से जो थे मेयर बनते थे यहाँ पे, तो नगर पालिका में चेयरमैन जो थे सपा के थे, उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा जैसे कि अगर जो नगर निगम में सीटें जो भाजपा की ज्यादा आती हैं और शाहजहांपुर का मेयर जो अगर भाजपा का बन के आता है तो जो है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को यहाँ पे ला सकेंगे और शाहजहांपुर को बड़ी सौगात दे सकेंगे। जी अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।